सबसे पहले देखिए आप अपने क्वेश्चन में
आपका निकाल लो वही डायरेक्शन ये सब फार्मूला वही डायरेक्शन माइनस इक्विवेलेंट है आपके पास इक्विवेलेंट है आप निकाल लिए वही डायरेक्शन क्या दे रहा है x का डिग्री क्या दे रहा है 3 दे रहा है वही डायरेक्शन देखिए आपका 3 डिवाइड बाय माइनस का है माइनस का आया आपने यहां पे ठीक है एक ही बार जैसे x का कितना निकाला आपने 1/12 ठीक इसी प्रकार y की बात करते हैं कितना है 2y माइनस वन बाय टेन ठीक है पहले x और y का निकाल सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपने फाइव और ट्वेल्व का अगर आप एलसीएम लोगे फाइव और ट्वेल्व का आपने एलसीएम लिया तो सिक्स क्या है फाइव ट्वेल्व एलसीएम लिया टू से आपने डिवाइड किया सिक्स टाइम टू से डिवाइड किया थ्री टाइम थ्री से डिवाइड किया वन टाइम और फाइव से किया वन बार आपका क्या आया टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटी आएगी सर क्या आएगा सिक्सटी उससे लेकर आप कितना आया सिक्सटी आ सिक्सटी को फाइव से आपने डिवाइड किया कितना आ जाता है यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्वेल्व का है ट्वेल्व का आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है आपका थर्टी माइनस है माइनस फोर फिर ट्वेल्व होगा आप सिक्सटी में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा फाइव टेन जाता है ना फाइव का हमने मल्टीप्लाई किया फाइव थर्टी सिक्स में फाइव आपने माइनस कर दिया थर्टी वन अपॉन सिक्सटी आया समझ में आया समझ में फाइव को आपने डिवाइड किया सिक्सटी से कितने टाइम जाता है ट्वेल्व टाइम जाता है ठीक है डिवाइड कर रहा हूँ फाइव से वन टाइम फाइव फाइव टू टाइम टेन कितने का ट्वेल्व है ट्वेल्व अगर यहाँ पर जो टाइम को उसे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सिक्स इसके बाद बारह से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे सिक्सटी हो तो फाइव टाइम आता है कितने टाइम फाइव टाइम तो जो फाइव टाइम है आपने वन सिक्स मल्टीप्लाई किया तो फाइव थर्टी सिक्स माइनस फाइव थर्टी सिक्स में से आपने फाइव माइनस किया तो थर्टी वन अपॉन सिक्सटी ठीक है इसी प्रकार एक सर आएंगे एक सर का वही आएगा सिक्सटी एक्सन लोगे एक बार आपने लिया सर का वही आएगा ठीक है एक्सन मिलकर क्या आएगा सिक्सटी वापस आप करोगे वही आएगा ट्वेल्व टाइम आएगा फाइव टाइम सेम कंडीशन है ट्वेल्व से आपने क्या ना मल्टीप्लाई किया कितना आएगा ट्वेंटी फोर सिक्सटी से फाइव टेन जाता है यहाँ पर ठीक माइनस फाइव क्या आ जाएगा यहाँ पर नाइनटीन अपॉन अब एक्स की बात करते हैं जेड की बात करते हैं न्यू रेशियो देखिए वो एक्स से लेगा वन बाय टू क्या लेगा एक्स से वन बाय टू प्लस माइनस कितना लेगा वन बाय टू से वन बाय टू प्लस कर दो आप इसका एलसीएम अगर आप लेते हो आपने ट्वेल्व और ट्वेल्व का कितना एलसीएम लिया इससे डिवाइड करो तो कितना है टू से टू से डिवाइड किया आपने इससे क्या क्या है ना सिक्स तो टू से किया थ्री थ्री आठ टू से नहीं होगा इससे करेंगे मल्टीप्लाई किया वन को मल्टीप्लाई किया वन दोनों को जो आया कितना कितना आया टू बाय ट्वेल्व बाय ठीक आप देखिए मैंने कहा है कि आपके रेशो सेम होना चाहिए इक्वल होना चाहिए अब वहाँ पर देखिए एक सब क्या आ रहा है थर्टी वन बाय सिक्सटी आ रहा है तो नाइनटीन सिक्सटी आ रहा है यहाँ पर टू ट्वेल्व आ रहा है इसको सिक्सटी बनाना पड़ेगा है ना तभी आंसर आया सिक्सटी बनाने के लिए आपको ऊपर से ऊपर और ही देखना है आपको नीचे जो है आपको नीचे पे कुछ को ध्यान रखना है
क्या है यहाँ पर 12, आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 60 आया, 12 में किससे मल्टीप्लाई करें, 60 है 5 से मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करें ऊपर की तो मल्टीप्लाई नहीं निकलेगा, 10 किससे मल्टीप्लाई किया 60, आप देखिए आपका रेशो बन जाएगा 60 60 60, तो आपका न्यू रेशो क्या हो जाएगा, आपका न्यू रेशो क्या दे रहा है, न्यू रेशो 31 रेशो 19 रेशो 10 या 5 है, इन्हें डाल इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें तीन कंडीशन रहती है, एक एबी वाला, दूसरी कंडीशन मैंने बता दी है थर्ड, बाकी कुछ भी करना आपको, एक बार अगर आपको समझ में आया सारे क्वेश्चन आपको और इस टाइप के क्वेश्चन आने से एग्जाम में आपको कुछ दे दे ट्राई करना है क्या जल्दी पास करो।
नहीं मिला है, तो आपको इस पर आपको कहा गया है, देखिए क्वेश्चन के लास्ट में आपको कहा गया है नंबर कि वर्ल्ड पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइस देयर राइट्स, मतलब फिर पर किसको अधिकार है, ए और बी को राइट्स अधिकार है कि सिर्फ आप सेक्रीफाइस करें, और एक जैसे भी देखा जाए तो सी का निकलेगा ही, क्योंकि में ना तो कितनी यहाँ पर ए और बी वर्ल्ड पार्टनर्स इक्वल टू और हुआ नहीं है, और बी का ही सी का ही कैसे निकालेंगे, मतलब अगर तीनों का डेटा था तो तीनों का निकाल, बट वहाँ पर सिर्फ ए और बी का और डेटा निकला, और ए बी एन सी का यहाँ पर बी को दे रहा है बी वन वन, इसलिए दे रखा है कि आप गलती से यहाँ पर दो है और आप चाहो कि आपको दो ही नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर तीन है तो तीनों पर टोटल लगाना पड़ेगा, तो ए सेटिफाइड है तो सबसे पहले वर्ल्ड डेटा लेते हैं, वर्ल्ड डेटा ए का टू है और इसका टोटल थ्री टू बाय थ्री, माइनस है तो माइनस किया, बी में से ए का कितना है यहाँ पर थ्री, उसका टोटल कितना है टोटल फाइव, तो तीनों को लेना आपको साथ, ऐसा नहीं है दो है दो है दो पार्टनर दो ही का टोटल है, नहीं तीनों का लेना, ये क्या है कि क्वेश्चन को घुमाने के लिए या क्वेश्चन ला नहीं कर सकते, ठीक है, इसी प्रकार बी की बात करें, बी का वर्ड है कितना दे रहा है वन, उसका टोटल है थ्री माइनस यहाँ पर कितना दे रहा है उसका टोटल फाइव, ठीक, अब थ्री और फाइव का एलसीएम लेते हैं, थ्री फाइव मुझे डिवाइड नहीं होता है, इसे डिवाइड करें तो थ्री से, थ्री से करें वन में फाइव में टू फाइव से वन वन आपका क्या है थ्री इंटू फाइव कितना हो जाएगा फिफ्टी है ना, क्या फिफ्टी यहाँ पर आप थ्री से फिफ्टी को डिवाइड करो कितने का जाता है फाइव, फाइव है फाइव को यहाँ से आपको इंटू करना है, आप फाइव फिफ्टी को फाइव से डिवाइड करो कितने का है एग्जाम में नहीं लिखना है सिर्फ आपको बता रहा हूँ ना आपके बेसिस के, आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको इसलिए ताकि आपको याद रहे, समझ रहे हो, आप वहाँ पर नहीं करना है जब आपके एग्जाम हो वहाँ पर आपको शो नहीं करना है, ठीक है, टू से फाइव को आपने मल्टीप्लाई किया तो के राइट या माइनस है माइनस किया, थ्री से थ्री को मल्टीप्लाई किया नाइन है ना, एन में से आपने माइनस नाइन का क्या वन इसी प्रकार किस तरह से बी एस सेक्टिफाइड जैसे बी एस सेक्टिफाइड जैसे क्या है फिफ्टीन ऐसे में तो फिफ्टीन नहीं आता है, ठीक थ्री से आप उसको वापस ये करोगे क्या फाइव है, फिर फाइव से आपने क्या कितने रहे थ्री है, आप वन का फाइव का भी क्या किया फाइव माइनस थ्री क्या टू बाय फिफ्टीन, तो आपका सेक्टिफाइड जैसे क्या हुआ वन रेसो टू, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बताया था अनस, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 बताया था, 16 से नहीं बताया क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 ये होमवर्क है, कल इसके वो क्वेश्चन बाकी है वो भी क्वेश्चन आपको बता रहा था, कल भी दो क्वेश्चन बता दूँ, एक क्वेश्चन आपको पढ़े होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ये चैप्टर कितने से जाएगा बाकी इसकी थ्योरी बची है, दोनों चैप्टर की थ्योरी फिर एक्सप्लेन कर देंगे, अपना वन चैप्टर थ्री चैप्टर और फोर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद टू बी चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है, कितने 19 19